हेलो स्टूडेंट, फंक्शन के पिछले लेक्चर में हम लोग डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ टाइप के फंक्शंस और देखेंगे, और ये जो फंक्शन हम लोग देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या लिखा गया, अ रियल फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स वेयर ए ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए क्या कहा जा रहा है, इस तरह का फंक्शन हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स हो। यहाँ पे ए क्या है, यह ए कोई कांस्टेंट है जो कि जीरो से ग्रेटर है लेकिन वन के इक्वल नहीं है, वन के अलावा कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो इस टाइप का अगर कोई फंक्शन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं एफ एक्स बराबर टू टू द पावर एक्स ये लिखा हुआ है, यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। देखिए यह जो टू है यह बेस है, और यह जो टू है यह जीरो से ग्रेटर है और साथ में नॉट इक्वल टू वन है। तो इस टाइप के कोई फंक्शंस अगर हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 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 द पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री टू द पावर एक्स, या एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू टू द पावर एक्स, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शन की बात हो गई तो अब डोमेन क्या है। तो देखिए ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, मतलब क्या कि आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे उसकी इमेजेज हम लोगों को मिलेगी। हाँ, अब ये रेंज, तो देखिए रेंज क्या होगा, तो ध्यान देंगे आप रखने के लिए तो कोई रियल नंबर रखिए, लेकिन हमेशा आपको जो आंसर मिलेगा, मतलब जो रिजल्ट मिलेगा वह पॉजिटिव नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए टू टू द पावर एक्स है, जीरो रखिए वन आएगा ना, टू रखिए फोर आएगा, थ्री रखिए एट आएगा। निगेटिव नंबर भी रखते हैं, जैसे माइनस वन रखेंगे तो टू टू द पावर माइनस वन मतलब वन बाई टू आएगा। इसका मतलब है कि एक्स आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करिए, कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करिए, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज होता है वह जीरो टू इन्फिनिटी होता है, ओपन इंटरवल। ठीक है, अब देखिए यह तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज हम लोग देखे। अब इसमें अगली जो बात है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो केसेस बनेंगी। ठीक है, केस फर्स्ट, यह जो बेस ए है, अगर यह जो बेस है वन से बड़ा है, मतलब क्या इस कंडीशन को तो फॉलो कर ही रहा है, साथ में वन से क्या है बड़ा है। आप एग्जाम्पल के तौर पर यही एग्जाम्पल ले सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 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 द पावर एक्स, तो देखिए जो बेस है वह टू है ना, वन से बड़ा है। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो ध्यान दीजिए किस टाइप का ग्राफ आएगा। यह हमने एक्सिस ड्रा कर लिया, एक्स और वाई। अब यहाँ पे आप एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, जीरो रखिए, एक्स जीरो रखिए, वाई कितना आएगा वन। ठीक है, जीरो तो वन, एक्स जीरो तो वाई वन, वन रखिए टू आएगा, देखिए है ना, टू रखिए फोर आएगा। तो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए और छोटे नंबर रखिए, निगेटिव नंबर रखिए, माइनस वन रखिए, टू टू द पावर माइनस वन वन बाई टू आएगा, माइनस टू रखिए वन बाई फोर आएगा। तो इसका ग्राफ जो है इधर इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो यह जो ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, और उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जिसका बेस वन से ग्रेटर है, एग्जाम्पल के तौर पे टू टू द पावर एक्स। एक बात आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं सभी का जो ग्राफ है वह वाई एक्सिस को जीरो वन पर कट करेगा ही करेगा। रीजन क्या है कि कोई भी बेस होगा अगर उसके पावर जीरो रखेंगे तो वन आएगा ही आएगा। तो यह देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने ड्रा किया, और यह तब ड्रा किया जब बेस ए जो है वन से ग्रेटर है। अब हम लोग दूसरे केस पे आते हैं, देखिए केस टू। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर जो बेस ए है वह जीरो से बड़ा तो है, वो तो कंडीशन ही है जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वन से छोटा है, इस टाइप का अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फिर कैसा ग्राफ होगा। तो आप एग्जांपल के तौर पे इसकी एक आइडिया लेके चलिए, जैसे हमने लिख दिया वन बाई टू टू द पावर एक्स। ठीक है, देखिए बेस यहाँ पर जीरो और वन के बीच क्या है ना, चलिए ठीक है देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए जीरो रखिए वन आएगा, मतलब जीरो और वन, चलिए और नंबर रखते हैं
वन रखिए वन बाई टू आएगा, वन रख रहे हैं वन बाई टू आ रहा है ना, टू रखिए वन बाई फोर आ रहा है। मतलब ये ग्राफ देख रहे हैं कि इस तरीके से जितना बड़ा नंबर रख रहे हैं पॉजिटिव, उतनी छोटी वैल्यू आएगी। चलिए निगेटिव रखते हैं, माइनस वन रखिए, तो माइनस वन रखेंगे तो वन अपॉन टू टू पावर माइनस टू आ गया, माइनस वन पर देखिए टू आ गया, माइनस टू रखिए फोर आ गया। इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ है वह देख पा रहे हैं कि इस टाइप का ग्राफ आएगा। मतलब क्या कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस वन से ग्रेटर है तो उसका ग्राफ इस तरीके से इंक्रीजिंग ग्राफ आता है, मतलब एक्स के साथ जो है ग्राफ मतलब वाई की वैल्यू बढ़ती जाती है। और अगर बेस जीरो और वन के बीच में है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ डिक्रीजिंग टाइप का आता है। मतलब क्या, एक्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो ग्राफ मतलब y की जो वैल्यू है वह डिक्रीज होती जाएगी। तो ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यह जो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ई एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.7 के आसपास होती है। तो यह जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पे की वैल्यू क्या 2.7 के क्लोज होती है, तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में हम लोग देखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हम लोग लाग्रांज फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए जो लाग्रांज फंक्शन है वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन है, क्योंकि हम लोग इन्वर्स फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वह 11th नहीं है, क्लास 12th में है, तो यहाँ पे डेफिनेशन समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि पूरी बात को हम आपको समझा पाएँ। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था उसका डोमेन जो था वह रियल नंबर था और रेंज 0 टू इन्फिनिटी था। तो ये जो लाग्रांज फंक्शन है कैसे डिफाइन किया गया, अ रियल फंक्शन यह फ्राम 0 टू इन्फिनिटी टू आर, मतलब देख रहे हैं कि यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज था वह यहाँ पर डोमेन है। डिफाइन कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू लाग एक्स एट द बेस ए, इसको बेस कहेंगे ए, अब या इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू लाग एक्स एट द बेस ए व्हेन a टू द पावर y इज इक्वल टू x, इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। वेयर a क्या है, बेस है जो जीरो से ग्रेटर है लेकिन नॉट इक्वल टू वन है, इस कॉल्ड लाग्रांज फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो बात हमने अभी बताई वह अभी क्लियरली समझ में आई नहीं होगी, तो उसके लिए अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं देखते हैं, लेकिन हाँ डोमेन इसकी बात ध्यान देंगे, डोमेन इसका 0 टू इन्फिनिटी होगा और रेंज इसका क्या होगा r। अब यहाँ पे देखते हैं समझते हैं हम लोग, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू लाग एक्स एट द बेस टू, बेस हमने मान लिया टू लिया है, अब इसको आप समझिए, इसको हमने लिखा वाई बराबर लाग एट द बेस टू पे एक्स, कब, व्हेन टू टू द पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए ये जो बात लिखी जा रही है या जो यह लिखा जा रहा है इसका क्लियर मीनिंग क्या है उसको आप इस एग्जांपल से समझिए। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में टू बेस अगर लिया हमने तो जीरो रखेंगे तो वन आएगा, तो जो लाग्रांज फंक्शन होगा वह इसका रिवर्स काम करेगा, मतलब लाग्रांज फंक्शन में उसी बेस पर टू पे ही बात करें, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जीरो रख रहे हैं तो वन आ रहा है, तो लाग्रांज फंक्शन में वन रखेंगे तो जीरो आएगा। वैसे ही देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वन रख रहे हैं तो टू आ रहा है, तो लाग्रांज फंक्शन में टू रखेंगे तो वन आएगा। वैसे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में टू रख रहे हैं तो फोर आ रहा है, तो लाग्रांज फंक्शन में आप कहेंगे फोर रखेंगे तो टू आएगा, वैसे आगे भी। इसका मतलब है कि यह जो है रिवर्स काम कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो इमेज देता है या उसका उल्टा काम करता है। अब देखिए हम लोग ग्राफ पे आते हैं उसे समझते हैं, तो ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो पहली केस होगी कि जो ए वन से बड़ा हो, जैसे आप ग्राफ इसका खींच रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लाग एट द बेस टू पर एक्स, हम लोग बेस यहाँ पर ले लिए टू जो कि वन से ग्रेटर है। अब इसका देखिए ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं, ध्यान दीजिए, तो ग्राफ अगर हम लोग इसका ड्रा करते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप जीरो रख रहे हैं तो वन आ रहा है, इसका मतलब लाग्रांज फंक्शन में वन रखेंगे तो जीरो, मतलब एक्स वन तो वाई जीरो। ठीक, अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वन रख रहे हैं तो टू आ रहा है, लेकिन लाग फंक्शन में टू रखेंगे तो कितना आएगा, टू रखेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, जैसे टू रखा तो वन आया। अब उसके बाद देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में टू रख रहे हैं तो फोर आ रहा है, इसका मतलब लाग्रांज फंक्शन में फोर रखेंगे तो टू आएगा, इसका मतलब हम कहीं फोर रखेंगे तो टू आएगा, तो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से इधर आएगा।
अब कुछ नंबर हम लोग यहाँ पे और रख लेते हैं। जैसे अगर देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप माइनस वन रखेंगे तो वन बाई टू आएगा, इसका मतलब लाक्रिमिक फंक्शन में वन बाई टू रखेंगे तो माइनस वन आएगा। देखिए वन बाई टू रख रहे हैं ना तो माइनस वन आएगा, ठीक। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है और यह देखिए एक तरीके का इंक्रीजिंग ग्राफ है ना, बढ़ रहा है। तो यह तब है जब इसका बेस ए वन से ग्रेटर है। अब देखिए दूसरी केस पे हम लोग आते हैं, केस टू। अगर जो बेस ए है वह जीरो से बड़ा तो खैर होगा ही, वन से छोटा हो, मतलब आपका जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर लॉग सपोज दैट बेस वन बाई टू है, इसका ग्राफ हम लोग खींचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको देखिए कैसे हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, किस टाइप का इसका ग्राफ आएगा, तो इसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि जो बेस है, अब की बार हमने 1 बाई टू लिया है, तो अब देखिए 1 बाई टू टू द पावर जीरो रखेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं कि लॉग अगर 1 बाई टू बेस है 1 रखेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब 0 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, यानी लॉग में 1 रखेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब यह भी यहाँ पर कट करेगा। अब देखिए आगे कोई नंबर रखते हैं, जैसे अगर हमने 1 बाई टू टू द पावर 1 रखा तो 1 बाई टू आ रहा है, मतलब 1 रखा तो कितना आ रहा है 1 बाई टू आ रहा है। इसका मतलब 1 बाई टू रखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, मतलब 1 बाई टू रखेंगे x कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, और अगर हम लीजिए आगे लिखते हैं 1 बाई टू के पावर 2 रखते हैं तो कितना आ रहा है 1 बाई फोर आ रहा है। इसका मतलब लॉग में अगर 1 बाई फोर रखेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए 1 बाई फोर और छोटा नंबर रखें ना तो 4 आएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे वैल्यू आप रखते जाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके का आता है। मतलब क्या है कि अगर बेस 1 से ग्रेटर है तो यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस तरीके ग्राफ आएगा, और बेस अगर 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। मतलब एक ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा और बेस अगर 1 और 0 के बीच क्या है तो यह डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं, और यह बताया कि हम लोग इनवर्स का कॉन्सेप्ट अगली क्लास में, मतलब क्लास 12 में पढ़ेंगे, तब इन दोनों फंक्शन को बहुत क्लियरली समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही समझिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसका डोमेन आर और रेंज 0 टू इन्फिनिटी होता है, लेकिन जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है उसका डोमेन 0 टू इन्फिनिटी और रेंज इसका आर होता है। अब यह इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाई को एक्स बना रहा है तो लॉगरिथमिक फंक्शन एक्स को वाई बना रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर टू बेस पे बात कर रहे हैं, जीरो रख रहे हैं तो वन आ रहा है, इसका मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन में वन रखेंगे तो जीरो आएगा। यह ध्यान देंगे कि बेस इसका क्या है वो पहले से डिसाइडेड होगा। यह पूरा जो ग्राफ हमने खींचा है यह बेस टू पे खींचा है और दूसरा जो ग्राफ खींचा है बेस वन बाई टू पे खींचा है। जहाँ पे बेस अगर वन से ग्रेटर है वहाँ पे इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है, और जहाँ बेस वन से कम है जीरो से बड़ा है वह डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है। तो यह हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और उसका ग्राफ क्या होता है, यह देखें। हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, अ रियल फंक्शन यह फ्रॉम आर माइनस सेट में जीरो टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपन एक्स इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। देखिए इस फंक्शन का क्या नेचर है कि आप जो भी एंट्री फिल करेंगे, जैसे आप टू रखेंगे तो वन अपन टू इमेज आएगा, थ्री रखेंगे वन अपान थ्री आएगा, फोर रखेंगे वन अपान फोर आएगा। तो यह जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। अब देखिए डोमेन क्या है, तो अब देखिए डोमेन का मतलब है कि आप यहाँ क्या क्या रख सकते हैं। देखिए सब कुछ रख सकते हैं, जीरो नहीं रख सकते ना, जीरो रखेंगे तो वन अपान जीरो नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसके डोमेन में हर रियल नंबर है जीरो को छोड़ करके, मतलब जीरो इसमें हम लोग नहीं रख सकते। अब रेंज की बात कर लेते हैं कि क्या हम लोग पा सकते हैं, तो देखिए कोई भी रियल नंबर आप पा सकते हैं, निगेटिव भी आंसर आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, बड़ा से बड़ा भी आ सकता है, छोटा से छोटा भी आ सकता है। जैसे 100 रखिए 1 अपॉन 100 आ गया, 1000 रखिए 1 अपॉन 1000 आ गया, लेकिन जीरो कभी आंसर नहीं आएगा। तो इसका डोमेन और रेंज जो है वह दोनों क्या होता है, आर माइनस सेट में जीरो। तो यह हो गया रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसका डोमेन और रेंज क्या है। अब इसका एक और टर्म हम लोग देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। तो ग्राफ को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आप देखिए जीरो तो रख नहीं पाएंगे ना, वन रखिए क्या आएगा, वन।
टू रखेंगे क्या आएगा, वन अपान टू, थ्री रखेंगे क्या आएगा, वन अपान थ्री, वन अपान टू रखेंगे कितना आएगा टू, है ना, वन अपान फोर रखेंगे कितना आएगा फोर। तो इसका ग्राफ देख रहे हैं कि इस टाइप का इसका ग्राफ जो है आ रहा है, ठीक है, ऐसे। तो पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं तो इस टाइप का ग्राफ आ रहा है, या आगे भी ऐसे आता रहेगा। अब हम लोग रखते हैं, चलिए कोई नेगेटिव नंबर रखते हैं, देखते हैं, माइनस वन रखिए एक्स, तो माइनस वन, माइनस वन पे कितना माइनस वन, माइनस टू रखिए वन, माइनस टू रखिए वन अपान टू, माइनस वन अपान टू ना, माइनस टू पे माइनस वन अपान टू, देखिए माइनस थ्री रखिए माइनस वन अपान थ्री। तो इस टाइप के यहाँ पर इस टाइप का ग्राफ आया। चलिए देखिए आप और रखिए, माइनस वन बाई टू रखिए तो माइनस टू, है ना, माइनस वन बाई टू तो माइनस टू। तो इसका ग्राफ जो है आप देखेंगे कि इस टाइप का ग्राफ इसका आएगा, मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वह देख रहे हैं कि इस टाइप मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। तो रेसिप्रोकल फंक्शन की डेफिनेशन क्या, एफ एक्स इक्वल टू वन अपन एक्स, डोमेन क्या आर माइनस सेट में जीरो, रेंज क्या आर माइनस सेट में जीरो, और इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर देख पाए। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, यह भी हम लोग आज देख लिए। तो आज हम लोगों ने तीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और उसके साथ रेसिप्रोकल फंक्शन। देखिए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, चूँकि इन्वर्स का कॉन्सेप्ट एलेवेंथ में नहीं है तो लॉगरिथमिक फंक्शन को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस किए होंगे, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आप इन्वर्स का कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो वहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए आज के क्लास में इतना हम लोगों ने सीखा कि यह डिफरेंट टाइप के फंक्शंस क्या होते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कोई फंक्शन अगर हम लोग को गिवन है तो उस फंक्शन का डोमेन हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।